मेन तो जो मेज़र हैं अपने CRPC, IPC और एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनको आना ही चाहिए। मतलब जैसे मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70% सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसा कोई प्रियम्पशन करके मत जाइए, आप अपने पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी करके जाइए। और अगर आप ये सोचेंगे कि रिपीट हो रहे या नहीं हो रहे, तो आप मतलब गड्ढे में गिर सकते हैं। इस चीज़ से बचना है, आप अगर नहीं बन रहा है, हो सकता है उस समय इंसान ब्लैक हो जाए। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ADPO के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए, तो सर लोग से जानेंगे कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मैं शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स और कॉपी हम शेयर करते रहते हैं, एक बार टेलीग्राम पर विजिट करिएगा, आपको आइडिया लगेगा कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं टॉपर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सर आपका शुभ नाम? पल्लव द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से। जबलपुर से कैसा क्या रहा सर इंटरव्यू? अच्छा रहा इंटरव्यू, और अच्छे सवाल पूछे गए। लगभग ज़्यादातर जो है CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन और IPC, मतलब जो जनरल रोज की चीज़ों में जो लॉ अप्लाई होता है उसको, उससे संबंधित सवाल पूछे गए। ओके, कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? 15 से 20 मिनट चला होगा। 15 से 20 मिनट। अगर डेफ में देखा जाए, जो कि मेनली इंटरव्यू का जो पूरा ये रहता है डेफ के ऊपर ही रहता है, कि आपका जो डेफ फॉर्म आपने फिल किया है, लगभग उसी दायरे से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्या ऐसा हुआ? ऐसे डेफ तो इसीलिए मंगाया जाता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो, आपकी पसंद नापसंद उसमें लिखी हुई हो। लेकिन आज उस विषय में ज़्यादा प्रश्न नहीं हुए, एक दो व्यक्तिगत प्रश्न थे, बट बाकी लॉ से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए आज। सर आपका शुभ नाम? जयप्रकाश द्विवेदी। कहाँ से आप? जबलपुर। जबलपुर से ही आप दोनों? जबलपुर से। चलिए बढ़िया, सीधी के हैं लेकिन जबलपुर रहते हैं। ओके, कैसा क्या रहा आपका इंटरव्यू, और शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे प्रश्न पूछे गए थे? अच्छा था, मेरा तो शुरुआत नाम खुद बताए और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन और CRPC से सवाल हुए। अच्छा, कैसे प्रश्न हुए अगर आप बताना चाहें कि ऐसे ऐसे प्रश्न हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे फंडामेंटल राइट से सवाल थे, और हाई सुप्रीम कोर्ट से जो चैप्टर है वहाँ से था, हाई कोर्ट का था, और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद लास्ट पार्ट में था वहाँ से सवाल। जैसे आज का पेपर है, इसके बारे में पूछा था कि आज का पेपर पढ़ के आए, या फिर आज इसके पेपर से कोई प्रश्न देखने को मिला? नहीं, हमसे पूरे सवाल सिर्फ लॉ के थे। लॉ के थे सब? हाँ, टोटल। ओके, मीडियम कौन सा है वैसे आपका? हिंदी। हिंदी मीडियम है। और कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? वही है, 15 से 20 के बीच का लगभग चला। 15 से 20 सबका चला। ओके, आप बताइए सर, आपको और कोई प्रश्न याद आ रहे हो? क्योंकि 15 से 20 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, तो कहीं ना कहीं प्रश्नों की बौछार तो होती रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेन CRPC जो था उससे क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन पूछे गए कि कॉग्निजेंस कहाँ लेता है, कंप्लेंट कहाँ फाइल होती है, कैसे होता है, और पुलिस कस्टडी वगैरह कितने की होती है, कितने दिनों की होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें संबंधित प्रश्न थे। ओके, सिचुएशन बेस्ड भी कोई प्रश्न देखने को मिला सर? सिचुएशन बेस्ड प्रश्न तो मुझसे नहीं पूछा गया, आर्टिकल 370 से कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था, बाकी सिचुएशन तो नहीं दी गई आज। सर, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ से उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए? मेन तो जो मेज़र हैं अपने CRPC, IPC और एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनको आना ही चाहिए, मतलब पढ़ के आना चाहिए। बाकी अपने व्यक्तिगत जो है जानकारी है, क्योंकि आपका कौन सा बोर्ड फंसेगा और वो क्या प्रश्न करेगा आप नहीं एज्यूम कर सकते, आप पहले से पता नहीं कर सकते, तो आपको लगभग एक समग्र तैयारी करनी चाहिए उस चीज़ की। ओके, बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड हमारा बोर्ड था, मतलब साधुनी का था, श्री रायकवार सर का। सर आप बताइए मुझे कि क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, या फिर कहाँ कहाँ से उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए ताकि एक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन बन जाए? उसके लिए आपको थोड़ा सा जो बेसिक होता है प्रैक्टिकली जो ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे CRPC आपको डेली यूज होता है, आप कोर्ट में जाएंगे तो IPC ज़्यादा यूज होगा, एविडेंस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका चैप्टर ही है सिलेबस में, तो ये ज़्यादा बेसिक रखना है अपन को फोकस, क्योंकि माइनर एक्ट जो है वो तो थोड़ा बहुत आप किसी से सवाल आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक जो है तो यही है प्रोसीजर लॉ, यहाँ से होना चाहिए। जैसे मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70% सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से था मेरा। ओके, हाँ तो वो, और हम लोग ने, सर ने जो तैयारी करवाई थी उसके हिसाब से हम लोग का अच्छा था। अच्छा, कोचिंग वगैरह किया था आपने? हाँ, हम लोग जबलपुर में श्रीकांत बेंदेला क्लासेस है, वहाँ से हम दोनों वहीं से हैं। वहीं से किया, श्रीकांत बेंदेला क्लासेस से हम लोगों ने तैयारी की है, और अच्छा मार्गदर्शन था उनका। ओके सर, आपने बताया कि 70%
सर से कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे गए, संविधान से प्रश्न पूछे गए, क्या लगता है आपको रिपीट लोगों से प्रश्न हो रहे हैं क्या, कि जैसे आपसे जो पूछा है वही अगले कैंडिडेट से पूछ रहे हैं या फिर अगले दिन पूछ लें, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? दो दिन अभी इंटरव्यू हुए हैं, दो दिन को हो सकता है आपके दोस्तों वगैरह से बात हुई हो ऐसा? मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसा कोई प्रियम्पशन करके मत जाइए, आप अपने पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी करके जाइए। और अगर आप ये सोचेंगे कि रिपीट हो रहे या नहीं हो रहे तो आप मतलब गड्ढे में गिर सकते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप, मैं निकल रहा हूँ बाहर, कोई निकल रहा तो उससे पूछे कि कौन से प्रश्न पूछे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को देखकर उनके दिमाग में अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, अलग अलग प्रश्न के हिसाब से वो जज कर रहे हैं, तो किसी के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे ये बहुत कम परसेंट चांस है। मतलब ऐसा कोई पड़ाव आया जो प्रश्न नहीं बने? नहीं, प्रश्न तो लगभग बन गए, ऐसा कोई ऐसा पड़ाव नहीं आया, और लॉ के प्रश्न थे और वो बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न नहीं बन रहे हो हमसे तो क्या जवाब देना उचित होगा? तो हमें गलत जवाब नहीं देना चाहिए और हमें उसको विनम्रतापूर्वक मना कर देना चाहिए, इस चीज़ से बचना है। आप अगर नहीं बन रहा है, हो सकता है उस समय इंसान ब्लैक हो जाए, सवाल आया डायरेक्ट आपसे बन रहा है लेकिन उस समय याद ना आया हो, उस चीज़ से बचना है अपन को, गलत जवाब नहीं देना। सॉरी, अगर सवाल उस समय आपको नहीं बना तो आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन गलत जवाब आपके लिए माइनस कर सकता है ना, तो ईमानदारी भी दिखानी है अपन को। लगभग कितना समय हो गया तैयारी करते हुए आपको? हम लोग तो जब से नोटिफिकेशन आया था इसका तब से तैयारी कर रहे थे, जून 2021 में आया है इसका नोटिफिकेशन, तब से इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। पहला ही इंटरव्यू आपका? हाँ, ये पहला अटेम्प्ट। कौन सा है ये पहला अटेम्प्ट आपका? ये ADPO का मेरा पहला है, लेकिन मैं सिविल जज का दे चुका हूँ, तो मेरा इंटरव्यू ये दूसरा है। ओवरऑल कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही फ्रेंडली माहौल रहता है, बड़े आराम से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं, कि आप शुरू में जैसे मैं थोड़ा घबरा रहा था तो शुरू में उन्होंने मुझे कंफर्ट किया, आराम से बैठिए कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा माहौल रहता है, वो अच्छे प्रश्न करते हैं। आप बताइए आपको कैसा क्या लगा इंटरव्यू देना है? ये अच्छा था, बिल्कुल नॉर्मल था, मैं तो गया तो बिल्कुल नॉर्मल था। डर सा लगा, मतलब एक एंजाइटी फील होता है, घबराहट होती है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, हल्का तो वो रहता है वो सबके साथ, कोई कितना भी पढ़ के आए, लेकिन क्योंकि सवाल तो सामने वाले को पूछना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल बने, लेकिन हल्का फुल्का डर रहेगा वो सबके साथ रहता है, तो आपको थोड़ा सा उसी समय अपने को बैलेंस बनाना है कि अपन जो करके आए हैं अच्छा करके आए। बोर्ड में कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे। 4, हर बोर्ड में 4 ही मेंबर है? अब मेरे बोर्ड में तो 4 मेंबर थे और मुझे बाकी का नहीं कह सकता मैं। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहेंगे, क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? डॉक्यूमेंट में ध्यान रखें कि आपका रोजगार पंजीयन वगैरह एक्सपायर ना हुआ हो, टाइम से हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो उसमें वरिष्ठ आपको मिला है उसमें सारी चीज़ें जो आपसे डिमांड की गई हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है वो सारी चीज़ें लेके आएँ। ओके, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों स्टूडेंट को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है? जिनका आगे इंटरव्यू होने वाला है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, वो आके अपना 100% दें, जो उनको लगे उसका जवाब दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे भी है कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, अच्छा दें और बाहरी चीज़ों से बचें, जितना आप सवाल बाहर चीज़ें की रिपीट हो सकता है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हो सकता है आपके हर रोज़ नए सवाल आएंगे। अच्छा, मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है जो भी देख रहे हैं इनको, क्या लगता है आपको? नहीं, जो देख रहे हैं उनको ज़रूर होगा, कि क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि आप जाके जो प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं उसको लिखते हैं बहुत से लोग आके, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ तक मेरा अनुभव है, और मैं इसके पहले भी दे चुका हूँ, तो उससे कोई सवाल नहीं फंसता, क्योंकि उससे आपका टाइम ख़राब होता है। आप स्टडी करने के बजाय आप दूसरे के प्रश्नों पे सवाल पे ध्यान दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, आपका पर्सनल सवाल आपका होगा, हर स्टूडेंट जो आता है इंटरव्यू देने उसका सवाल होता है, दूसरे का सवाल दूसरा होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? बस यही जो भैया ने कहा हमारे, वही सही बात है कि यहाँ के अननेसेसरी आप क्या प्रश्न पूछे गए क्या नहीं ये सुनकर पैनिक हो ना हो, और क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना है और वो जो सवाल करेंगे आपसे बनेंगे ही, आप अपने पर विश्वास रखिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आप दोनों को कि आपका सिलेक्शन होगा और अच्छी रैंक के साथ में होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू करने की। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स और कॉपियाँ हम शेयर करते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।